पेंसिल शब्द को लेटिन के पेनिसिल्लूस पेनिसिलिस से लिया गया था। पेनिसिलिस का मतलब पूंछ है, क्योंकि शुरू जमाने में जानवरों के पूंछ के बाल ब्रश बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उस जमाने में निशान लगाने के लिए लीड का इस्तेमाल किया जाता था। तकरीबन 1564 में इंग्लैंड के बोरोडेल में एक भयानक तूफान आया, जिसके नतीजे में एक बड़ा सा पेड़ नीचे गिर गया। वहां के बकरियों के चरवाह ने देखा कि इस पेड़ के जड़ों को बहुत सारा काला पदार्थ लगा है। शुरू में उन्होंने सोचा कि ये कोयला है और उसे जलाया, लेकिन वो कोयले की तरह जल नहीं रहा था। उस वक्त उन्होंने उसे ब्लैक लेड बुलाना शुरू किया, बाद में ग्रेफाइट नाम रखा गया। इस ग्रेफाइट को बकरियों पर निशान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता और इंग्लैंड के बाजार में ग्रेफाइट को पेपर में रखकर बेचा जाता था। 16वीं सदी के अंत में लोग इस ग्रेफाइट से लिखना शुरू किया था। ग्रेफाइट इतना नर्म और नाजुक था कि लिखने में परेशानी हो रही थी, इसलिए उसे एक धागे से बंद कर लिखना शुरू किया था। 1560 में सबसे पहले इटालियन के जोड़ों ने पेंसिल के लिए जुनिपर नाम के पेड़ का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस पेड़ के लकड़ी के टुकड़े के अंदर सुराख करके ग्रेफाइट को चिपका देते। करीब 1660 में जर्मनी में लकड़ी के टुकड़ों को लेकर पेंसिल बनाना शुरू किया था। दो लकड़ी के टुकड़ों को तराश कर इनके बीच ग्रेफाइट को रख कर चिपका देते। इसके बाद 1790 के दौरान इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जंग हुई थी। इस जंग के बाद इंग्लैंड ने ग्रेफाइट को फ्रांस के लिए बंद कर दिया था। इस बैन के बाद ग्रेफाइट की कमी होने लगी थी। फ्रेंच के मिनिस्टर ने अपने एक कमांडर और साइंटिस्ट निकोलस जाक कॉन्टे को इसका हल ढूंढने को कहा। कुछ दिनों के रिसर्च के बाद निकोलस ने एक बॉक्स में चिकनी मिट्टी और ग्रेफाइट और पानी से एक मिश्रण बनाया और सूखने के लिए रख दिया। जब ये मिश्रण सूख जाता तो इसे भट्टी में जलाया। इसी दौरान निकोलस ने एक और चीज ये देखा कि चिकनी मिट्टी को कम और ज्यादा करने पर पेंसिल के लिखने में फर्क आ रहा है। वहां से HHB जैसे अलग अलग नामों से पेंसिल बनना शुरू हो गया। 1795 में इस आविष्कार का पेटेंट निकोलस जाक कॉन्टे को मिला। 19वीं सदी में पेंसिल के साथ रबर अरेजर को भी लगाना शुरू कर दिया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।